और विशेष कीर्तन गुरुद्वारा कापी साहब के दर्शन
परमात्मा सारे मनुष्य मनोकामना दे करे कि मैं हम पाठ दे के मैं हम बता पा सारा दास जी हेता एक मैं बात से हाजिर होंगे उस बाद माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तुम सब बधाई देंगे। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री सन तादी है ओदे बाद असी जी पिछले मुख्यमंत्री साहबा रहे हैं उन्होंने असी लिखती रूप के लिए अपनी डिमांड रखी है और असी ये समझते हैं कि दिल्ली के मिनोरिटी रूप सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाई है कि 5 यूनिवर्सिटियां नवीं ऐलान हो रही हैं मिनोरिटी से दिल्ली के अज तक सिखा की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है मुख्यमंत्री साहब के कार्य क्षेत्र के लिए आती है तो असं बेनती करा कि अपने इस राज के दौरान सांग है इसे पूरा किया जाए और दिल्ली सिख द्वारा कमेटी यूनिवर्सिटी स्टैबलिश करेगी पेपर सिंह से साढ़े को काफ़ी ज्यादा है ये कसर हो जाए असं पूरी करा बहुत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पर जितने बहन भाई माताएं बुजुर्ग पूरे देश भर के आज सिख बहन भाई दुनिया भर के सिख बहन भाई और केवल सिख ही क्यों और सभी धर्मों के बहनों भाइयों को आज गुरु पर्व पे बहुत 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 शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग गुरु गोबिंद जी का जन्म दिवस मना रहे हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश के लिए समाज के लिए धर्म के लिए इंसानियत के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। खुद ने छावर हो गए उनके पिताजी ने छावर हो गए उनके चारों बच्चे नक्षावर हो गए अपने लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने देश को बचाने के लिए इंसानियत को बचाने के लिए सब कुछ किया किसी एक धर्म के लिए नहीं किया सारी इंसानियत के लिए। मैं समझता हूँ आज जब हम लोग इतने शुभ अवसर पर यहाँ इकट्ठे हैं तो हम लोग अपने अपने यहाँ मत्था टेकने के लिए आए मैं भी मत्था टेकने के लिए आया हम लोग अपने लिए तो मांगेंगे अपने परिवार के लिए भी मांगेंगे लेकिन जब हम मत्था टेकें तो थोड़ा सा देश के बारे में और समाज के बारे में भी कुछ मांगेंगे कि समाज आज किस रास्ते पर जा रहा है। हमें गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी से प्रेरणा लेनी है उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेके जैसे उन्होंने अपना सब कुछ नछावर कर दिया आज समय आ गया कि हम लोगों को भी अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा अगर हमें देश को बचाना समाज को बचाना हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना। तो मैं आज यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आया हूँ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ मन्नत मांगने के लिए आया हूँ कि हम लोगों को साहस दे सद्बुद्धि दे शक्ति दे कि जिस मिशन पे हम लोग चले हैं कि हमारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो यहाँ से गरीबी दूर हो घर घर के अंदर लोगों को शिक्षा मिले स्वास्थ्य मिले लोग खुशहाल बने उस मिशन में गुरु जी हमारे को सद्बुद्धि दें और हमारा मिशन कामयाब हो ये मनोकामना पूरी करने के लिए आया। अभी बहुत सारे साथियों ने यूनिवर्सिटी की बातें कही बिल्कुल बनी थी और अच्छी बातें शिक्षा जितनी फैली लेकिन उसके क्या बैकग्राउंड रही उसका क्या हिस्ट्री रही मुझे अभी नहीं कहने पर हम सब लोग मिलकर बैठे बातचीत करें पर मैं यही आश्वासन देता हूँ कि जो कुछ भी होगा आप लोगों की मर्जी के मुताबिक होगा हम लोग तो आप ही हैं जी हम लोग थोड़ी ना सारे करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इतना मान सम्मान दिया और इतना प्यार मोहब्बत दी मैं गुरुद्वारे में बार बार आता रहूँगा और गुरु जी से मैं भाई गुरु जी से सद्बुद्धि की और साहस के आशीर्वाद लेता हूँ बहुत अच्छा।
सिख एम एल ए आए हैं सिख संगत तो आपकी तरफों दिल्ली सिख डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का प्रधान तो सारी टीम वालों जिसे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से बधाई देना उसे स्पीकर पद की नरेंद्र सिंह खेल ने बधाई देना और सिख एम एल ए जो लोग नजर आए हैं उन्होंने भी सारी संगत को बधाई देना और उसके द्वारा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यूके ते यूरोप दी संगत जी सिख चैनल दिल्ली यूनिट वालों इस वेले असी मौजूद हाँ गुरुद्वारा बंगला साहब जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। हुण थोड़ी देर पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इत्थे दर्शन करके गए ने एक निमाणे इंसान वजो दिल्ली के एक कॉमन मैन का सिंबल बन के जिहड़े इस वेले दिल्ली की राजनीति उभर चुके ने उन्होंने अज इत्थे दर्शन किए मत्था टेकया। उसी नाल ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे सीनियर मैंबर्स इत्थे मौजूद सन। उन्होंने अपनी सिखां दी जिहड़ियां बड़ियां पुरानियां डिमांड्स हैगियां ने गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए होर भी कई डिमांड जिहड़ियां उन्होंने नाल रखियां तो उन्होंने की जवाब दिता असीं उन्हां दी ही पूरी डिटेल लैंदे हां। साडे नाल सीनियर मैंबर जुड़ चुके ने सरदार अवतार सिंह जी हिस्सा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। हिसाब अज जिवें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ग्रुप मनाया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अज इत्थे दर्शन करन लई आए ने उन्हों का बड़ा ही भरवां स्वागत किया गया कमेटी वालों नाल आप जी ने कमेटी वालों प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के वालों सिरसा साहब वालों आप जी वालों जो जो उन्होंने विचार कीतियां साडे चैनल राही सानू दसो। इस तरह जी अज का गुरपुरब जो असं मना रहे हैं गुरु कलगीधर पातशाह का उन्होंने तो कलगीधर पातशाह का तो अपना उपदेश ही है संसार के लोगों को कि कोई भाए मुड़िया सन्यासी कोई योगी पोए कोई ब्रह्मचारी कोई जतिया नमान बो हिंदू तुरक कोई रफ जी अमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो सतगुरों का उपदेश सांझी वालता का उपदेश दिता उन्हें सारे संसार के लोगों को वो किसी एक धर्म लिए जा एक कौम लिए एक जात वास्ते नहीं आए जिदे ते जुल्म होया उदा उन्होंने डट के उदे साथ दिता तो जुल्म का नाश किया। अज सारिया सकतां बड़ी धूमधाम मना के खुशियां प्राप्त कर रही हैं। जितों तक मुख्यमंत्री दिल्ली का सवाल है वो इत्थे आया बहुत चंगा किया उन्हें आशीर्वाद लैन आया सतगुरों की क्योंकि उहदा भी मकसद समाज की सेवा करना आम एक आम आदमी बन के आया वो मैं समझा उन्हें मुख्यमंत्री वाली उस गल नहीं सी उस आम आदमी जो उन्हें कहा उसे ते उन्हें पहरा दिता है तो सतगुरु दी आशीर्वाद लैन वास्ते आया तो सतगुरु ने हंकारी नूं नवाजा कितने भी नमाणे नूं नवाजा हमेशा आम नूं नवाजा खास उन्होंने नहीं इस करके उन्हें आशीर्वाद लैन लई आया तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत बढ़ चढ़ के उसका स्वागत किया इस करके किया नाल अपनी गल रखी है कि गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह शहीदा के सरताज जिन्होंने इत्थे अपनी शहादत दे के अपने साथियों के नाल हिंदुस्तान के धर्म बचाया जंजू ते तिलक की राखी की उन्होंने नाँ की एक यूनिवर्सिटी की मंग की गई और असी नाल ये भी आख्या कि बाकी धर्मां दी संस्थावां दा साडा फर्क है बहुत बाकी दी संस्थावां अपने धर्म की गल करदियां दूजे धर्म बड़ी भेट करदियां भावें ईसाइयां दे चले जाइए तो भावें असीं मुहम्मदन चलीए भावें किसी हिंदुआं दे चलीए किधर भी जाइए वो संस्था दे विच भेदभाव हुंदे आ साडियां इन्हां संस्थावां दे विच बिल्कुल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह एक पिता एक इसके हम बार तू मेरा गुरहाई वो नक्शे कदम से चलते हैं असी तो असी इत्थे मनोरिटी में होंदया होया मजोरिटी की सेवा करते हैं असी साडियां संस्थावां दे विच कोई भेदभाव ना ऊंच ना नीच साडे चौं वर्णां दा सांझा उपदेश आ जो सानू सतगुरु ने मार्ग दस्या साडे कालजां च साडे स्कूलां च साडे 65-66% नौ सिख बच्चे पढ़ते हैं जेडे लोग भावें मुसलमान भावें ईसाई ने भावें मुसलमान ने कोई हिंदू ने कोई किसी धर्म के ने उन्होंने बिहेव उन्ना ही अच्छा जिन्ना एक सिख का इस करके यहोजी यूनिवर्सिटियां की सेवा करनी
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਓ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸੇ ਪਾਏ ਪੂਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ